पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोषता है और यही आतंकवाद उसको बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे में मदद की थी, लेकिन आज उसी के सामने मदद की भीख मांग रहा है और उसे भीख नहीं मिल रही है। पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकवाद रोकने के लिए तालिबान के पास पहुंचा था, लेकिन खाली हाथ लौटना है। जिस तालिबान की पाकिस्तान ने मदद की, अब उसके पैर क्यों पकड़ रहा है? बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम तालिबान नेताओं से मिलने बड़े अरमानों के साथ पहुंचे थे। अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और दूसरे तालिबानी नेताओं से गर्मजोशी से मिले। तालिबान की ओर से मुलाकात का वीडियो तो जारी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने शर्म के मारे सिर्फ प्रेस रिलीज जारी की, कोई तस्वीर जारी नहीं की। पाकिस्तानी नेता आईएसआई चीफ काबुल ये उम्मीद लेकर पहुंचे थे कि पाकिस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन पाकिस्तान तहरीके तालिबान पर तालिबानी नेता लगाम लगाने में मदद करेंगे, लेकिन तालिबानी नेताओं ने पाकिस्तान को खाली हाथ लौटा दिया। हाल ही में कराची में पुलिस प्रमुख के दफ्तर पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें टीटीपी का हाथ था। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटा है, टीटीपी ने पाकिस्तान में आतंकी हमले भी बढ़ा दिए हैं। इन हमलों को रोक पाने में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जब नाकाम हो गई, तो लाचार पाकिस्तान मजबूरी में तालिबान नेताओं के पास पहुंच गया ताकि तालिबानी नेता टीटीपी के आतंकियों को रोकने का ऑर्डर दें। साल 2021 का दौर याद कीजिए, जब तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में था, तो पाकिस्तान तालिबान को मदद दे रहा था। जैसे तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान के तब के आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे थे और काबुल पहुंचने के बाद उन्हें चाय पिलाई गई थी। तब उनके चेहरे पर गजब की रौनक थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर सारी रौनक उड़ जाएगी। पाकिस्तान ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन आतंकी हमले रुकवाने की गुहार लेकर तालिबान के पास पहुंचा है। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार के मंत्री टीटीपी पर लगाम की मांग को लेकर तालिबानी नेताओं के पास पहुंचे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस वीडियो में बर्फीली पहाड़ी पर कई आतंकी नजर आ रहे हैं। दावा है कि अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सैकड़ों लड़ाके पाकिस्तान के लिए निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान को सबक सिखाने और इस्लामाबाद में अल्लाह का राज स्थापित करने के लिए निकले हैं, तालिबान से आतंकी संगठन टीटीपी पर कोई भरोसा नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने अब खुद ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब जिस हिसाब से पाकिस्तान में आर्थिक संकट और महंगाई है, उससे आतंकी संगठन में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।